नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिश्नो स्थित नूरपुर की, जहां बहुचर्चित कांड प्रकरण से मुक्त होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। बता रहे कि 4 जुलाई 2014 को देश के बहुचर्चित कांड प्रकरण, जिसमें मुरादाबाद जिले के कांट के नया गाँव में लाउडस्पीकर उतारने के विवाद में सपा सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के लगभग 70 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं को विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज कर जेल भेज दिया था। लगभग 84 दिन भाजपा के 70 कार्यकर्ता जेल में बंद रहे थे। मुरादाबाद न्यायालय ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में न्यायालय से दोषमुक्त कर दिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। मुरादाबाद से मंत्री भूपेंद्र सिंह, विधायक रितेश गुप्ता, चांदपुर विधायक कमलेश सैनी, धर्मेंद्र जोशी, सरदार हरभजन सिंह अमन, सरदार जीवन सिंह, सरदार पांडे, सुधींद्र चौधरी, महिपाल चौहान, प्रेमपाल रवि सहित लगभग 70 से ज़्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज हुए थे। इन सभी के दोषमुक्त होने से भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। नूरपुर में भाजपा के कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया गया। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुद्वारा नूरपुर में माथा टेका। इस अवसर पर भाजपा नेता सीपी सिंह, आभा सिंह मुकुल, अशोक राजपूत, गुरविंदर सिंह सीटू, संदीप जोशी, वसीम अहमद आदि ने माला पहनाकर मिठाई खिलाकर भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। वहीं दोषमुक्त हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया, आज हम सब कांड प्रकरण का जो मुकदमा था उसमें हम सब बरी हुए हैं। 4 जुलाई 2014 को जो मुरादाबाद की काट तहसील के अकबरपुर चंदेरी गांव में जो मंदिर का प्रकरण था, उसमें हमें आरोपित बनाया गया था और हमारे ऊपर बहुत सारी संगीन धाराएं लगा दी गई थी। आज हम सब यहां हमारे जो धर्मेंद्र जोशी जी हैं, प्रेम पाल रवि जी हैं, हरमीत सिंह हैं, कमल किशोर सिंह जी हैं, राजपाल जी हैं, सती पांडे हैं, और आज हम उनको भी याद करेंगे जो हमारे साथ हमारे बेगराज जी थे, जिनका पिछले दिनों निधन हो गया है। आज हम सब बरी हुए हैं और कांड में हमें जो है दोषमुक्त किया गया है। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।